जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से लोगों को बीजेपी की अगली लिस्ट का इंतजार है। तो आखिर ये कहाँ अटकी है? बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो गई, उसमें क्या हुआ? क्या वरुण गांधी की टिकट कट गई है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कयासबाजी चल रही है? और अगर कट गई है तो वो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अपर्णा यादव के बारे में, जिनके बारे में बड़ा चर्चा है कि वो मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं अपनी भाभी डिंपल यादव के खिलाफ, तो इसको समझेंगे। साथ ही एक ज्वाइनिंग की बड़ी चर्चा है, जो कि एक बड़ी वकील है सुप्रीम कोर्ट की, बीजेपी ज्वाइन की है, बसपा नेता रही हैं, और कहा जा रहा है कि एक बीएसपी के ही बड़े नेता ने ये ज्वाइनिंग कराई है। तो इन सभी खबरों के इर्द गिर्द आपसे बात करेंगे आज। बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी लखनऊ से। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा भाई सबको इंतजार है बीजेपी की अगली लिस्ट है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी की ये लिस्ट आएगी, उसी के बाद फिर समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य दल अपने टिकटार्थी जारी करेंगे। तो बस ये जो लिस्ट को लेकर बातचीत हुई है कल, बड़ी चर्चा है उसमें कि वरुण गांधी के टिकट कट गया। पहले तो बताइए क्या कुछ बातचीत हुई, फिर वरुण गांधी के बारे में बताइए। देखिए अब तो पूरा फोकस दिल्ली पे है, यहाँ अगर देखिए तो बीजेपी ऑफिस में सन्नाटा है, सब लोग वहीं हैं। कांग्रेस ऑफिस में भी सन्नाटा है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को छोड़कर अखिलेश यादव बैठक उठक कर रहे हैं। अब ये जो बात रही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कल हुई, और उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी लोग बैठे थे, और 24 नाम जिसको लेकर के ज्यादा माथापच्ची है, जिसपे कम माथापच्ची थी वो सारी सीटों तो घोषणा उनकी हो चुकी है, 5 सीटें सहयोगी दलों के पास गई है, तो 24 पर बहुत परेशानी हो रही है। उसमें से भी कुछ सीटें ऐसी है जिसको लेकर समझ ही नहीं आ रहा, और कुछ तो ऐसी सीटें हैं जहां पर विकल्प तलाशे नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं चलिए जैसे कि बरेली की, आप जानते हैं कि संतोष गंगवार वहां से 8 बार के सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, अलग अलग प्रधानमंत्री के जवान। ये जो 75 वाला मामला है, 75 साल की उम्र के लोगों को टिकट ना दिया जाए, हालांकि इसमें अपवाद भी होते रहे, तीवा के संतोष गंगवार को मंत्रिमंडल से भी ड्रॉप किया गया था, उनको टिकट ना दिया जाए, लेकिन उनको अगर टिकट ना दे तो फिर बरेली से चुनाव लड़ेगा कौन? और बरेली में कुर्मियों का बड़ा बोलबाला है। वरुण गांधी के बारे में आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें हुई। वरुण गांधी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद मेनका गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, लेकिन कोर कमेटी में जो हुआ उससे तो ये साफ है कि वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। वरुण गांधी का खेल मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर तो समझिए खत्म है। और सबसे बड़ी जो हुआ कोर कमेटी की बैठक में, तो क्या हुआ, क्या बातचीत हुई वरुण गांधी पर? मैं वही बताने जा रहा हूँ कि सब लोग ये मान लिए हैं ना, एक्चुअली क्या है कि हवा के रुख से भाप लेते हैं लोग, मतलब लिफाफे से भाप लेते हैं कि लिफाफे के अंदर में मजमून क्या होगा। तो कोर कमेटी की बैठक में यूपी की तरफ से जो भी नेता मौजूद थे उन्हें पता चल चुका था कि केंद्रीय नेतृत्व वरुण गांधी को लेकर क्या सोचता है। तो जो लोग आमतौर पर कोर कमेटी की बैठक में, एक दो ऐसे नेता हैं जो यूपी से गए थे, वो आमतौर पर बहुत बोलते नहीं है, वो भी कल की बैठक में फुल फॉर्म में थे। मतलब वो ये कह रहे थे कि जिस नेता ने 5 साल तक पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया, पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, सोशल मीडिया में वो लिखते रहे हैं, उनको कैसे टिकट दिया सकते, इसका तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा, इससे अनुशासन बढ़ जाएगा, और पार्टी में अनुशासन ही जो है पार्टी की आत्मा है, हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, और हमारी पार्टी जो है विद डिफरेंस डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, एक राग में कह सकते हैं। सो सबने ये बात कही, सामने बैठे अमित शाह और जेपी नड्डा और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मन मन मुस्कुरा भी रहे थे, देख रहे थे कोरस चल रहा है वरुण गांधी के मामले में, सोच सके उस वक्त क्या हो रहा होगा। तो हमने क्रॉस चेक किया कई सोर्सेज से, तो उसमें ये बात थी, जैसे ही पता लग गया कि वरुण गांधी का खेल खत्म है तो सब अपने फुल फॉर्म में नजर आए। वरुण गांधी तो जो 2009 में पहली बार पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़े, 2014 में सुल्तानपुर चले गए जब वो अपने माँ के साथ स्ट्रैपिंग कर लिए थे, ये देखिए हाँ 1989 से जैसे रायबरेली और अमेठी को ना कांग्रेस परिवार का गांधी नेहरू का गढ़ माना जाता है, वैसे ही एक तरीके से देखिए पीलीभीत में मेनका गांधी 1989 से चुनाव लड़ती रही, अलग अलग झंडे बैनर से, एक बार चुनाव हारी है, निर्दलीय चुनाव जीत गई थी, जब बेटा वरुण गांधी राजनीति में आया तो उन्होंने सेफ सीट समझ के पीलीभीत उनको दिलवाई, वो जीते भी, फिर सुल्तानपुर से भी जीते, लेकिन ये जो 5 साल उनका लिखना पढ़ना बोलना सोशल मीडिया में अपनी बात रखना मन की बात, तो वो पार्टी नेताओं ने उसको क्षम्य नहीं माना, वो अक्षम्य हो गया और वरुण गांधी का टिकट कट गया है। अब आखिरी वक्त पर मतलब घोषणा ही होनी बाकी है, लेकिन इस पर आम सहमति है, अब भगवान ही बचा सकते हैं, अब
वरुण गांधी का टिकट तो कट चुका है, ये तय हो गया है। अब आप कहेंगे वरुण गांधी नहीं तो फिर कौन लड़ेगा भाई? तो वहां नाम चल रहे हैं छह, लेकिन छह में से चार को ऐसे ही हम ही लोग डिलीट कर देते हैं। दो ही नाम जो हैं वो वहां पर सीरियस चल रहे हैं। पहला नाम है जितिन प्रसाद का, जो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उनका पीलीभीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि वो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और शाहजहांपुर जिले के एक हिस्सा जो है ना वो पीलीभीत लोकसभा में आता, खासतौर से वो पूरनपुर का जो इलाका है जी। तो जितिन प्रसाद वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। दूसरा नाम चल रहा है संजय गंगवार का, जो कि योगी सरकार में वो भी मंत्री है, गन्ना मंत्री है। एक कुर्मी है और एक पंडित जी है जी। कुर्मियों का इलाका माना जाता है वहां पर। अब देखिए, मैं जब एक बात कहता हूं राजनीति में ना, कौन कहां से लड़ेगा ना, बड़ा गुणा भाग करके किया जाता है, क्लस्टर, यानी एक लोकसभा सीट पर अगर आप एक उम्मीदवार देते हैं तो अगल बगल के लोकसभा सीटों पर भी उसका असर पड़ता है। तो जैसे बरेली, अब बरेली में यह है कि किसको दें, दो नाम चल रहा है। अगर कोई मतलब विकल्प नहीं बच रहा है तो संतोष गंगवार को फिर से दिया जा सकता है, जैसे जगदम्बिका पाल को दिया गया, जैसे महेंद्रनाथ पांडे को दिया गया, जैसे मथुरा से हेमा मालिनी को दिया गया। तो संतोष गंगवार जी को अगर दिया जाता है तो फिर बगल की पीलीभीत सीट से आप कुर्मी को नहीं लड़ाएंगे ना, फिर वहां ब्राह्मण आएंगे। तो इस समीकरण में जितिन प्रसाद सबसे मुफीद बैठते हैं। लेकिन अगर बरेली में बदला टिकट, संतोष गंगवार की जगह जिनके नाम की चर्चा है उमेश गौतम, जो कि मेयर भी रह चुके हैं बरेली से, तो वो ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण गए बरेली में तो फिर पीलीभीत में संजय गंगवार की लॉटरी खुल सकती है। जितिन प्रसाद, आप चूंकि मैं जितिन प्रसाद के लिए इसीलिए कह रहा हूं कि आप सब हम लोग जानते हैं सौरभ जी कि जितिन प्रसाद ने लखनऊ की राजनीति नहीं की, वो दिल्ली की राजनीति की है। सांसद बनने के बाद वो केंद्र सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही, तो बीजेपी आने के बाद उनका लोकेशन चेंज हो गया, जैसे इन दिनों मेरा लोकेशन चेंज हो गया है, तो वैसे ही जितिन बाबू का भी लोकेशन चेंज हो गया है। तो वो कंफर्टेबल जोन में रहेंगे अगर वो सांसद बनकर दिल्ली चले गए, घर परिवार सब वहीं उनका रहता है, तो जितिन प्रसाद के लिए गुड न्यूज हो सकता है। तो एक तरीके से ये चीजें हो गई है। अब ये हो गया कि वरुण नहीं, मेनका का क्या हुआ, मां का? तो मां के बारे में जो कहा जा रहा था कि पीलीभीत चली जाए तो पीलीभीत नहीं, वो सुल्तानपुर से लड़ेंगे, और ये खबर जो सुल्तानपुर में टिकट के दावेदार थे उनके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग लगे हुए थे, नाम रहने ही देते हैं। तो उसमें यह है कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। एक और जानकारी जो मिली है वो है अलीगढ़ को लेकर। अलीगढ़ में सतीश गौतम के नाम की चर्चा थी, फिर ये हुआ कि सतीश गौतम का मामला फंस गया, उनका टिकट भी होल्ड हो गया है। अब वहां दो नाम चल रहे हैं, एक राहुल गौतम है जो स्लीपवेल कंपनी के मालिक है, जिसके गद्दे पे देश के लाखों लोग सोते होंगे, और एक अनिल परासर है। इन दोनों के नाम की चर्चा है और इन्हीं दोनों में से किसी को मिल सकता है। सतीश गौतम का टिकट भी समझिए कि कट चुका है। ये कल जो कोर कमेटी की बैठक हुई उससे ये संकेत मिल रहा है। बिल्कुल, रायबरेली में कोई फैसला हुआ क्या पंकज जी? देखिए, रायबरेली और मैनपुरी, इन दोनों का फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया। पैनल वैनल बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रायबरेली का भी और मैनपुरी का भी। जो मुझे बताया गया है, पार्टी चाहती है, अब जैसे मैं पीलीभीत की बात करूं ना, मैं पीछे थोड़ा सा चलते हैं, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को पार्टी लड़ाना चाहती थी, वो भी कुर्मी बिरादरी से है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि वो पीलीभीत जाए। वैसे ही ये जो योगी सरकार में पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह, जो कभी मायावती के बहुत करीबी होते थे, उस वक्त वो लघु सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उनको मैनपुरी से पार्टी लड़ाना चाहती है। अब आप कहेंगे पार्टी का आदेश हो गया तो सबको मानना पड़ता है, लेकिन इस बार क्या है कि पूछा भी जा रहा है तो वो अनिच्छा जता रहे हैं, मन से लड़ने की इच्छा ही ना हो तो फिर कैसे कूदेगा आदि मैदान। तो जयवीर सिंह के लड़ने की इच्छा नहीं है, तो उस वजह से ये हो रहा है कि मैनपुरी से किसको दें। वहां डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो मैनपुरी और ये रायबरेली से पहला नाम मनोज पांडे का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लड़ने को इच्छुक भी है। पार्टी वहां मुश्किल में, धर्म संकट में इसीलिए फंसी है कि पार्टी वहां दो गुटों में, अभी मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में आए नहीं है तकनीकी रूप से, लेकिन भगवा चोला तो पहन ही लिया जब राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। दूसरे उनके धुर विरोधी है दिनेश प्रताप सिंह, वो उद्यान मंत्री है योगी सरकार, वो पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी लड़ने को आतुर है, व्याकुल है, और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अब इन दोनों में है रिश्ते 36 के, एक को दिया तो दूसरा क्या करेगा ये कहना जरूरी नहीं, बताना भी जरूरी नहीं।
तो चक्कर ये है, इसीलिए मैनपुरी और इसको रायबरेली को रिजर्व कर लिया गया है कि इस पर फैसला जो केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहे लड़ाई, जो सर्वे में आए ना आए, क्योंकि सर्वे तो मनोज पांडे को लेकर किया नहीं गया था, तो पार्टी नेतृत्व इस पर तय करेगा। इसीलिए कोर कमेटी इसमें इस पर कोई खास चर्चा या बहस नहीं हुई है। बिल्कुल, आपने मैनपुरी का जिक्र किया तो इसमें एडिशनल सवाल है मेरा कि मैनपुरी को लेकर बड़ी चर्चा है अपर्णा यादव को लेकर। सोशल मीडिया पे खास तौर पे ये चर्चा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो बड़े नेताओं से मिल रही हैं, सीएम योगी से मिली हैं, और मैनपुरी में बिल्कुल दो बहू आमने सामने हो सकती हैं, डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव हो सकती हैं। क्या दम है इस चर्चा में? अगर ऐसा हो तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, इसमें कोई दो जी राय नहीं है। हाँ मतलब परिवार का मामला है और परिवार में दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं वो सबके सामने जज जाहिर है, जी और दोनों अब अलग अलग पार्टी में भी हैं। लेकिन आपको एक बात बताता हूं सौरभ जी, जी चुनाव विधानसभा का हो, चुनाव लखनऊ का मेयर का हो, या जब भी कोई एमएलसी के लिए टिकटों के फाइनल होने की बात आती है, अपने आप से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो प्रतीक की पत्नी भी है, उनका नाम अपने आप आ जाता है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है भाई, क्यों आता है, ऐसा जी है क्या, ये माहौल कहाँ से बनता है, टाइट कहाँ से होता है? होता क्या है कि अपर्णा यादव उस दौरान सबसे मिलने लगती है, मिल भी ले तो कोई बात नहीं है, मिलने के बाद तस्वीरें वो पोस्ट करती है और वहां से ये मामला चढ़ता है कि भाई उनका नाम भी कंसिडरेशन में है। जी लखनऊ का मेयर का भी था और विधानसभा का चुनाव का भी था। अभी जो जी मुझे बताया गया है, और अभी आप देखिए, अभी जो वो मिली थी ना योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो उस फोटो में देखिए अपर्णा भी है उनके साथ, उनके भाई भी। तो जो जानकारी मिल रही कि उनके भाई साहब ने कहीं पर ये कहा कि अपर्णा जी चाहती हैं कि मैनपुरी से चुनाव लड़े, और देखिए चुनाव लड़ने में मान लीजिए जीत हार तो किसी की हो, मतलब डिंपल यादव वहां बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी मैनपुरी का चुनाव जो है बड़ा मुश्किल है। एसपी सिंह बघेल भी गए थे लड़ने के लिए, वो भी मुलायम सिंह यादव के कभी बेहद करीबी रहे थे, लेकिन चुनाव तो जी एक तरफा हो गया था। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अभी उसका पलड़ा भारी है, वहां अपर्णा यादव जाएंगी तो क्या यादव का वोट मिलेगा उनको? मतलब पार्टी के तरफ से जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें जो पैनल बना है उसमें अपर्णा का नाम तो नहीं है। मैंने ये कहा कि मैनपुरी रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन एक पैनल भी बनता है ना भाई, उस जी पैनल में उनका नाम नहीं है, सर्वे में उनका नाम नहीं है। ये चर्चा आखिर शुरू कहां से हुई? तो बताया जा रहा है कि परिवार के तरफ से, उनके भाई साहब की तरफ से कहीं ये बात कही गई और वहां से लपक लिया गया, मीडिया को एक अच्छा वो मिल गया हेडलाइन, अपर्णा के खिलाफ डिंपल के खिलाफ अपर्णा। और मतलब मुकाबला अगर ऐसा होता है तो हम पत्रकारों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जी अभी डिंपल कुछ बोलेंगी फिर अपर्णा कुछ बोलेंगी, और रोज चलेगा मैनपुरी का चुनाव, सबसे टाइटेनिक चुनाव हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार के बिल्कुल बीच का घमासान होगा, बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू। लेकिन ऐसी चर्चा बीजेपी के अंदर नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि फैसला रिजर्व कर लिया गया है, कल को केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो कोई सीरियस कंसिडरेशन अभी नहीं है, ये सिर्फ खबरों में है कि दोनों बहुएं जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं मैनपुरी से। बिल्कुल, पर सीरियस बात वरुण गांधी को लेकर जरूर चल रही है कि वरुण गांधी का टिकट लगभग कट गया है, अब ऐलान होना बाकी है। ऐलान के वक्त कुछ चेंज हो जाए कल को वो अलग विषय है, मगर अगर मान लीजिए कटता है वरुण गांधी का टिकट, और जैसा कि आपने बताया था कि मेनका गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने बोला था वरुण गांधी को लेकर कि वरुण गांधी स्वतंत्र हैं अपने फैसले को लेकर अगर उनका टिकट नहीं होता है, तो क्या फैसला वो हो सकता है? क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं? क्या अखिलेश यादव से कोई उनकी बातचीत हुई है अभी तक? अखिलेश यादव क्या वरुण गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका टिकट बंटवारा हो जाए तब वो उन सीटों पर विचार करें, घोषित करें? क्या कुछ हो सकता है? देखिए कुछ समय तक तो मुझे जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस बात का इंतजार तो कर रहे थे कि क्या होता है, कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो हम तैयार बैठे हैं, वरुण गांधी को हम सपोर्ट कर देंगे। हालांकि वरुण गांधी का एक विवादित बयान, और वो जब समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो वो चर्चा में जरूर आएगा, मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है, आपको याद होगा, जब उन पर रहने से भी लगा था, मायावती उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मैं उस वक्त जेल के बाहर ही खड़ा था जब अचानक आधी रात में उनको पीलीभीत से एटा जेल ट्रांसफर किया गया था, किसी को पता भी नहीं था किस जेल भेजा जा रहा, हम लोग के लिए पता करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया था। तब ब्रजलाल जी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे, उनके हवाले से खबर मिली थी कि एटा भेज दिया गया। तो वरुण गांधी के बारे में तो अच्छी राय रखते हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब इन दोनों के बीच में हाल फिलहाल में कोई संवाद नहीं हुआ है,
और दूसरी बात, वरुण गांधी क्या करेंगे, कुछ दिनों पहले तक तो समाजवादी पार्टी के लिए उनके मन में बिल्कुल नो था, लेकिन राजनीति में ना आदमी कभी कभी भावावेश में भी बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, बाद में उनको पछताना भी पड़ता है। कई बार वो फैसला सही भी होता है, कई बार वो फैसला गलत भी होता है। तो वरुण गांधी अभी वेट एंड वॉच में है, एक बार आधिकारिक घोषणा हो जाए उसके बाद वो तय करेंगे। ऐसा वादा किया गया है पार्टी की तरफ से, जो मुझे बताया गया या पता चला है कि संगठन में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती। कई बार ऐसा होता है एडजस्टमेंट के, आपको टिकट नहीं मिला तो चलो भाई संगठन में कोई जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है। अखिलेश यादव ऐसा जरूर चाहते हैं, लेकिन जिसको चुनाव लड़ना कम से कम वो तो तैयार हो ना सौरभ जी, तो उसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। बिल्कुल, कल एक ज्वाइनिंग की पंकज जी वाली चर्चा में रही सीमा समृद्धि कुशवाहा की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और निर्भया केस में पीड़ित पक्ष की वकील भी वही थी, बसपा की नेता रही हैं कहा जा सकता है, प्रवक्ता रही हैं, और उनकी ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में कल दिल्ली में। और चर्चा ये भी है कि इसके पीछे हाथ किसी बसपा के बड़े नेता का है, क्या कहानी है इसके पीछे की? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। ये जरूर पता था कि बीएसपी के एक पूर्व सांसद और अच्छे खासे नेता हैं बीएसपी में, वो ऐसा चाहते हैं। और चूंकि बीएसपी के कुछ नेताओं के बीजेपी से भी नेताओं से व्यक्तिगत संबंध भी हो जाते हैं, सीमा समृद्धि कुशवाहा के बारे में जान लेते हैं। पहले ये इटावा की रहने वाली है और ये बीएसपी में चली आई थी। बीएसपी में सोची किसी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिल जाए तो बड़ी बात होती है, यहाँ प्रवक्ता होता ही नहीं, बहन जी जो कहे वही सही, ना खाता ना बही। एक आध बार प्रवक्ता बनाए गए और फिर कुछ दिनों बाद उनको भगा भी दिया गया, मतलब ये रहा है। कई प्रवक्ता थे, एक वो आपको याद होगा बीएसपी में फतेह बहादुर, एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, उनको प्रवक्ता बनाया गया था, और भी चार पांच लोग प्रवक्ता बनाए गए। तो सीमा समृद्धि कुशवाहा को भी बनाया गया। इनकी शादी बिहार के मुंगेर के रहने वाले एक राकेश जी के साथ हुई है, कि वकालत करती हैं। और आपको बताऊं कि बीएसपी का जो दिल्ली यूनिट है उसकी प्रदेश की महासचिव भी थी, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी आई थी। तो ये जो बीएसपी के एक नेता है, उनका फोन किसी और नेता के पास गया, वहां मैं बैठा था जी। तो वो बीजेपी के नेता है, बड़े नेता है, तो उनसे बात हो रही थी, उनसे उन्होंने कहा कि भाई साहब इनको सीमा जी को ना बीजेपी ज्वाइन करवा दीजिए। अब स्पीकर फोन पे बात हो रही थी, मैं उनकी आवाज सुन के पहचानने की कोशिश कर रहा था। जब वो फोन कॉल खत्म हुआ तो मैंने पूछा कौन थे, तो बोले ये थे। अच्छा, उन्होंने जब फोन किया था तो जय भीम जय भारत भी बोला था। अच्छा। बीएसपी के जो पूर्व सांसद हैं, आमतौर पर बीएसपी के नेता एक दूसरे को फोन करते हैं तो अभिवादन इसी रूप से होता है, जय भीम जय भारत। सामने वाले ने बीजेपी के नेता ने जरूर जय श्री राम कहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रोटोकॉल मेंटेन करके चल रहे, हाँ बिल्कुल। अब मैं हैरान था कि भाई ये कौन सी पैरवी है। और उसके बाद में कल मैंने तस्वीर देखी कि जेपी नड्डा जी के साथ उनकी फोटो है, फिर देखा बीजेपी ऑफिस में सीमा आजाद के साथ विनोद तावड़े ये लोग बैठे हुए, और पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी कर ली। अब सोशल मीडिया में एक और चीज आ रही है, वो आपने शायद गौर न किया होगा, अब चूंकि इटावा के रहने वाली है, कुछ लोग ये भी चलाने लगे कि मैनपुरी से उनको टिकट मिल सकता है ना, कि बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई बड़ा सामाजिक समीकरण भी नहीं है, कुशवाहा बिरादरी की है, ठीक है। तो ये भी चर्चा होने लगी है, तो सोशल मीडिया में एक बात उठ रही थी। हैरानी की बात ये हुई उसमें, मुझे लगता है कि उन्होंने भी उनके जेपी नड्डा जी से भी अच्छे तालुकात, अब संसद में रहते थे, आपस में बात मुलाकात होती है, शायद यूपी वाले काम ना आए तो उन्होंने वहां कहा होगा, और कल देखी ज्वाइनिंग, तो मेरा माथा ठनका कि मामला तो ये है कि बीएसपी के नेता खुद ही पैरवी कर रहे थे। गजब है ये भी, आप मतलब हैरानी की बात हो रही है जी। यही उत्तर प्रदेश है जहां राजनीति के हर रंग हर स्वांग देखने को मिल जाते हैं। बाकी पंकज जी ने आपको कहानी सुनाई कि बसपा के नेता बीजेपी के बड़े नेता को फोन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के फलाने नेता को आप अपने यहाँ ज्वाइन करवा लीजिए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार आप हमको इनसाइट्स बताते रहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जनता तक हम ऐसे उत्तर प्रदेश से जुड़े हर मसले, हर राजनीति से जुड़े जो भी नए फैसले होंगे, और खास तौर पर जो टिकट बंटवारा हो रहा है पार्टियों में, क्योंकि लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे, उससे पहले लगातार ये खींचतान चलती रहेगी राजनीतिक, आप तक हम सभी खबरें पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।